हाय एवरीवन दिस इज़ वेरोनिका आज का टॉपिक है हमारा मलेशिया के मैंग्रोव प्लांटिंग फिशरमैन के बारे में क्योंकि मैंग्रोव्स को रिस्टोर करने का एक इनिशिएटिव लिया गया लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंसेस या फंडिंग में आप कह सकते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आपकी कोई भी क्वेरी वो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पर चाहे फेसबुक इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर पी जो है वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा बाकी आप प्रिंट मीडिया पे भी सेम न्यूज़ जो है इसको अलग जगह पे मैंग्रोव्स के बारे में और ये फाइनेंशियल होटल्स के बारे में जान सकते हैं मलेशिया कहाँ है यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में मलेशिया जिस जगह की हम बात कर रहे हैं अब देखिए यहाँ पे एक बात हो रही है एक फिशरमैन की और कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ विलेजर्स हैं जो क्या काम करते हैं मैंग्रोव के सैपलिंग्स यानी छोटे छोटे उसके पौधे मलेशिया की वेस्ट कोस्ट पे उसको प्लांट कर रहे हैं वन ट्री एट अ टाइम एक टाइम पे एक पेड़ लगा रहे हैं बहुत सारे लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं अभी तक माना जा रहा है कि उन्होंने ऑलमोस्ट चार लाख के पास मैंग्रोव ट्रीज जो हैं वो प्लांट किए हैं कब से जब से मैंग्रोव रिस्टोरेशन की बात हो रही है तो आप लगा लीजिए कि ये इनिशिएटिव स्टार्टेड टू डिकेड्स अगो यानी कुछ 20 साल पहले ये इनिशिएटिव शुरू किया गया क्योंकि काफ़ी एक्सपर्ट्स इन्वामेंटल एक्सपर्ट्स ने भी जाना कि मैंग्रोव्स जो हैं वो डिक्लाइन हो रहे हैं हैबिटेट जा रहा है और क्योंकि बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पर मैंग्रोव के डिस्ट्रॉय होने से उस बायोडाइवर्सिटी को भी फर्क पड़ेगा और साथ साथ ये जो कोस्टल एरियाज़ में ही एज़ अ बैरियर भी एक्ट करता है लोगों को भी प्रोटेक्ट करता है जगह को प्रोटेक्ट करता है तो वो चीज़ भी खराब होगी तो रिस्टोरेशन इनिशिएटिव जो है वो शुरू किए गए शुरू में इसको जो लोकल लोग हैं उन्होंने इसलिए शुरू किया था क्योंकि जहाँ पे भी मैंग्रोव होते हैं वहाँ पे फिश को कैच करना बहुत आसान रहता है लोकल्स के लिए उनकी इनकम भी इंक्रीज होती है तो शुरू में लोकल्स इसलिए इन्वॉल्व हुए थे कि एटलीस्ट हमारा जो कैच है फिश को कैच जो हम करते हैं वो इंक्रीज़ होगा लेकिन जो इनिशिएटिव कभी फिश कैच के, के लिए शुरू किया गया था आज उसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है सिग्निफिकेंस इसलिए है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है नेचर में हम इतना लॉस देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज के ख़िलाफ़ मैंग्रोव्स को एक बहुत अच्छा वेपन माना जाता है क्योंकि ये बहुत सारा कार्बन जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं तो अगर हमको क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ना है तो मैंग्रोव्स तो प्लांट करने पड़ेंगे मैंग्रोव्स को कंजर्व करना पड़ेगा तो यहाँ पे धीरे धीरे देखा कि इंटरनेशनल कंसर्न भी जो है डिफरेंट कम्युनिटीज़ का ऑर्गेनाइजेशन का वो भी इंक्रीज हो गया मैंग्रोव की तरफ लोगों का ध्यान जाने लगा और फिर ग्लोबल फाइनेंस यानी इस तरफ फंडिंग भी आने लगी जो मैंग्रोव्स के प्रोजेक्ट को एक्सपैंड करने के लिए आने लगी अब जैसे मैं बताया हाईलाइटिंग द बैरियर्स ऑफन फेस बाई ग्रुप्स लेकिन ये जो फाइनेंस है जो फंडिंग है इसको लेकर कुछ चैलेंजेस जो हैं ये जो फार्मर्स हैं फिशरमैन हैं ये फेस करते हैं क्योंकि इन फंडिंग को जो नेचर प्रोटेक्शन के लिए आ रही है किस तरह से लेना है किस तरह से यूज़ करना है अब मैंग्रोव फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो मैंग्रोव उस तरह के पेड़ हैं या श्रब्स हैं जो कि कोस्टर इंटर टाइडल जोन पे आपको दिखेंगे 80 डिफरेंट स्पीशीज़ हैं मैंग्रोव ट्रीज़ के और ये लो ऑक्सीजन सॉइल में ग्रो करते हैं स्लो मूविंग वाटर्स में और दे अलाउ फाइन सेडिमेंट्स इनके आसपास आप देखेंगे थोड़े थोड़े सेडिमेंट्स जो हैं वो भी रहते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है सिर्फ ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल लैटीट्यूड्स इक्वेटर के पास जो है वहाँ ग्रो करते हैं क्योंकि फ्रीजिंग टेम्परेचर्स जो बहुत ठंडे टेम्परेचर्स हैं उनको ये बियर नहीं कर सकते वहाँ ग्रो नहीं कर सक नहीं हो पाते और मैंग्रोव्स की खासियत ये है कि कोस्ट लाइन को स्टेबल करेगा सॉइल इरोजन जो कोस्टल इरोजन है उसको कम करेगा अगर कोई तूफान आ रहा है स्टॉम्स हैं वेव्स हैं ही है, वेव्स टाइड्स हैं स्ट्रॉग टाइड्स साइक्लोन्स हैं उससे जो आगे पीछे कम्युनिटी है उसको प्रोटेक्ट करेगा क्योंकि एज अ बैरियर ये काम करेगा और इनका बहुत ही इंट्रिकेट रूट सिस्टम होता है जो इनको बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट के लिए अट्रैक्टिव बनाता है फिशेस यहाँ पे आती हैं बाकी ऑर्गेनिज़म्स खाना लेने के लिए यहाँ पे आते हैं शेल्टर लेने के लिए आते हैं तो बायोडाइवर्सिटी को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और फ़िश होगी तो लोकल फ़िशरमैन की उनकी इकॉनमी को भी फ़ायदा होगा तो इनके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इतने सारे बेनिफिट्स होने के बाद भी इनका नंबर कम हो रहा है डिक्लाइन हो रहा है वर्ल्ड मैंग्रोव एरिया अगर आप देखेंगे वन मिलियन हेक्टेयर कम हुआ है 1990 और 2020 के बीच में लेकिन उसके बाद ऑल दो रेट ऑफ़ लॉस जो है रिसेंट ईयर्स में हमने देखा थोड़ा इम्प्रूव भी हुआ रेट ऑफ़ लॉस इसका कम स्लो डाउन हुआ है एफ uh, के अकॉर्डिंग यू एन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है लेकिन अब चैलेंजेस क्या हैं जैसे मलेशिया की बात कर रहे हैं तो मैंग्रोव्स को ऑफ़न वहाँ पे क्लियर किया जाता है हटाया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए या फिर एग्रीकल्चर एक्सपेंड करने के लिए एंड पल्यूशन से भी मैंग्रोव्स को थ्रेट है इंडस्ट्रियल पल्यूशन हो गई ओवर हार्वेस्टिंग हो गई नॉर्दर्न पेनांग स्टेट में जहाँ पे ये जिन फार्मर्स की मैं बात कर रही हूँ ये रहते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं मैंग्रोव्स को लेके कि इनको क्यों क्लियर किया जाता है तो क्लियर पॉइंट्स आ गए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फार्मिंग इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ओवर हारवेस्टिंग फार्म है ना एग्रीकल्चर इंक्रीज़ करना अब जैसे इन फार्मर्स से आ, रिपोर्टर्स बात कर रहे हैं जो इंफॉमेशन ऑन ग्राउंड मिली है उससे पता चलता है कि फ़िश कैचेस जो हैं वो भी लोगों के लिए कम हुए थे नाइनटीन में जितनी फ़िश वो कैच करते थे वो कम हो गए इसलिए इन लोगों ने शुरू किया कि हम मैंग्रोव फॉरेस्ट को रिस्टोर करेंगे इसलिए इन्होंने पेनांग इंश्योर फिशरमैन वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो बनाई जिसको पी आई एफ़ डब्ल्यू ए ये कहते हैं और ये जो इलियास है, हैं ये इसको लीड करते हैं एक छोटा सा इनिशिएटिव था जिसको पूरी दुनिया में रिकॉग्निशन मिला बहुत सारी लोकल कंपनीज थर्टी लोकल कंपनीज़ थी जो इनको इन लोगों को स्पॉन्सर करने लगी पैसा देने लगी ट्रीज़ प्लांट करने के लिए एज अ जैसे आपको पता है कि प्राइवेट कंपनीज एज कॉरपोरेट्स जो होते हैं वो सी एस आर जो होता है आपका कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट्स के अंदर फंड कर सकती हैं तो आप देख सकते हैं ये ट्वीट देखिए सम कंट्रीज़ लॉस्ट मोर देन फोर्टी परसेंट ऑफ मैंग्रोव्स कुछ कंट्रीज़ में फोर्टी परसेंट मैंग्रोव हुए हैं और 2005 के बीच में आ, का ये है और बिकॉज ऑफ कोस्टल डेवलपमेंट मोर देन हैव सिक्सटीटेड इन ट्वेंटी तो अलग अलग जगह की न्यूज आप देख सकते हैं अब ये जो जिनकी हम बात कर रहे हैं फार्मर्स की कमिंग बैक टू दैम फार्मर्स आई मीन ये फिशरमैन है बेसिकली अब ये लोग काम कैसे करते हैं क्योंकि आपको याद रखना कि इनिशियल इनिशिएटिव इन्होंने फिशेस के लिए फिशेस कैच करने के लिए लिया था पी आई एफ डब्ल्यू ए जिनकी ऑर्गेनाइजेशन है ये कंपनीज को एक छोटा सा स्मॉल फी चार्ज करती है एट रिंगड यानी दो डॉलर पर ट्री प्लांटेड जितना ट्री प्लांट करेंगे उसमें से दो डॉलर उनसे लेंगे और इसमें जो भी फिशरमैन पार्ट ले रहे हैं उनको कंपेंसेट दिया जाएगा अलाउेंसेस दिए जाएंगे उनके टाइम और लेबर के लिए लेकिन अब ये लोग चाहते हैं कि कुछ और पैसा ग्लोबल फंडिंग जब मैंग्रोव्स के लिए इतनी आ रही है नेचर प्रोटेक्शन के लिए आ रही है तो इन लोगों को और ज़्यादा पैसा मिले ताकि ये और ज़्यादा प्लांट्स को यहाँ पे प्लांट और मैंग्रोव्स को प्लांट कर सकें लेकिन यहीं पे इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि ये जो मनी अवेलेबल है लेकिन ये इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे कोई इनको फंडिंग दे राज़ी नहीं है और ये प्रोजेक्ट स्केलअप भी नहीं हो पा रहा क्योंकि लैंग्वेज वैरियर्स भी हैं टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की भी प्रॉब्लम है क्योंकि ऑब्वियसली कहीं से पैसा आएगा तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कहाँ खर्च हो रहा है आपको प्रॉपर अकाउंट्स फाइनेंस मैनेज करना पड़ेगा तो लैंग्वेज बैरियर्स के साथ साथ टेक्निकल एक्सपर्टीज की भी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि ओवर द लास्ट डिकेड आप देखेंगे बहुत सारे नए कमिटमेंट्स अलग अलग फोरम्स पे हुए हैं लेस देन वन परसेंट इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस जो है वो आज तक मिला है इंडिजीनियस और लोकल कम्युनिटीज़ को फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए लोकल कम्युनिटीज़ को इंक्लूड किया जाता है क्योंकि अब वैसे ही सबको पता है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो प्लानट हीटिंग कार्बन एमिशन जो है एब्जॉर्ब करने के लिए फॉरेस्ट आपको लगाने पड़ेंगे बायोडावर्सिटी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी ग्रीन ग्रुप्स के अकॉर्डिंग जो ये रिपोर्ट है और नेचर प्रोटेक्शन अभी भी अंडर फंडेड है जितनी फंडिंग यहाँ होनी चाहिए वो नहीं हो रही यू चाहता है कि फ़ोर फोल्ड इंक्रीज़ एनुअल इन्वेस्टमेंट में हो यानी फाइव थर्टी सिक्स बिलियन डॉलर्स तक इसको टू थाउजेंड फिफ्टी तक लिया जाए ताकि हम क्लाइमेट चेंज की जो थ्रेट है ट्रिपल थ्रेट है जो इनफैक्ट यानी क्लाइमेट चेंज हो गया बायोडावर्सिटी चेंज हो गया डिग्रेडेशन हो गया लैंड डिग्रेडेशन हो गया हम इसको डील कर पाएँ लेकिन और प्लेजेस भी इंक्रीज हुए कॉप 26 में भी क्लाइमेट समिट में कहा गया 19 बिलियन डॉलर प्रॉमिस किए गए पब्लिक प्राइवेट फंडिंग प्रोटेक्ट एंड को प्रोटेक्ट करने के लिए और रिस्टोर करने के लिए तो यहाँ आप फाइनेंस और नेचर को कनेक्ट करके देखिए कि फंडिंग आ रही है नेचर फंडिंग अभी भी हमको थोड़ी कम लग रही है लेकिन जो लोग ऑन ग्राउंड एक्चुअल में काम कर रहे हैं जो चेंज ला रहे हैं वो ये फंडिंग को एक्सेस नहीं कर पा रहे लैंग्वेज बैरियर की वजह से और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के बारे में ये हर्डल्स उनको आ रही हैं अब जैसे जनवरी 22 में एक नया ग्लोबल फंड आया लॉन्च किया गया राइट्स एंड रिसोर्सेज इनिशिएटिव एम कैंपेन ने फॉर नेचर इसमें इनका मेन मकसद यही था कि इंडिजीनियस लोकल ग्रुप्स को हेल्प करना है फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए इको को कंजर्व करने के लिए राइट और ऊपर से महिलाओं के लिए भी यहाँ पे काफ़ी काम है कुछ महिलाएं भी हैं जो सीख रही हैं मैंग्रोव ड्वेलिंग कैसे कम्युनिटीज कैसे काम करती हैं और उन्होंने इन ट्री स्पीशीज़ को टी जूस जैम बनाने के लिए भी काम क्योंकि बहुत सारी स्पीशीज़ हैं मैंग्रोव्स की तो ये लोग ये बना के भी मार्केट में भेजेंगे प्रोडक्ट्स बिकेंगे तो एक हाउस होल्ड इनकम इंक्रीज़ होगी तो इस तरह के कोस्टल कॉम्युनिटीज़ में बहुत सारे महिलाएं हैं जो इस तरह का काम अपनी रोजगार के लिए कर रही हैं लेकिन डेफिनेटली दे आर लुकिंग फॉर मोर फाइनेंशियल सपोर्ट जो उनके छोटे छोटे इनिशिएटिव्स पूरा कर पाएँ देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि कुछ बड़ी कंपनीज हैं जो फंड करने के लिए रेडी हैं लेकिन वो इन फिशरमैन को ये बोलती हैं कि आप इसको अप करो प्रोजेक्ट को ना सिर्फ प्लांट लगाने की जगह थोड़ा कुछ और भी करो जैसे कि इको टूरिज़म प्रमोट करो लेकिन इन लोगों का कहना है पैसे ले लें लेकिन हमारी एक्सपर्टीज़ नहीं है इको टूरिज़म प्रमोट करने की हम वो काम कैसे ले लें जिसका जिस पे हमें खुद पे ही भरोसा नहीं है कि हम मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे क्योंकि दीज आर नॉर्मल फिशरमैन कम्युनिटी जो एक सिंपल से काम के लिए काम कर रहे हैं कि मैंग्रोव्स को प्रोटेक्ट करना है थ्रेट्स क्लाइमेट चेंज की क्या है मैंग्रोव को मैग्रोव इकोसिस्टम्स क्लाइमेट चेंज से बहुत थ्रेटेड हैं सी लेवल आपका इंक्रीज़ होगा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इन पर देखा जाएगा पैसिफिक आइलैंड मैग्रोव्स जो हैं हाई रिस्क हैं उस बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रहे हैं तो इस तरह के थ्रेट्स तो ऑलरेडी मैंग्रोव्स सफ़र कर ही रहे हैं जिसकी वजह से वो डिक्लाइन हुए हैं बट आज का जो टॉपिक था वो मेनली था आपका फंडिंग से रिलेटेड और जो ग्रुप्स एक्चुअली ग्राउंड पे वर्क कर रहे हैं उनको क्या दिक्कत आ रही है और मैंग्रोव्स को क्या थ्रेट है क्वेश्चन आपके लिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मैंग्रोव फॉरेस्ट मैंग्रोव ट्रीज ग्रो इन सेलाइन कोस्टल रीजन सुंदरबैन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट सपोर्ट वेराइटीज ऑफ लाइफ अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड ऑल्सो हैव मैंग्रोव फॉरेस्ट आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट करके सही आंसर जान सकते हैं बाकी कोर्सेज के लिए यू कैन विजिट वेबसाइट और डाउनलोड एप्लीकेशन यू कैन यूज माई डाउनलोड डिस्काउंट कोड वीरो थ्री थ्री टू गेट थर्टी थ्री परसेंट ऑफ The courses are available on EMI also. Thank you so much.